हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू इंस्टाग्राम सीक्रेट सेटिंग्स वीडियो, जिसमें कि हम बात करेंगे जितने भी इंस्टाग्राम के न्यू फीचर्स आए हैं। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझेंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई नो वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, बट कोई ना, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके देख लो, वहाँ पे मैंने होनेस्टा V7 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिंक दे रखे हैं, जो कि आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा। एक बार जाओ उस वीडियो को चेकआउट करो, उसमें मैंने इससे भी ऑसम फीचर्स को एक्सप्लेन कर रखा, तो जाके उस वीडियो को भी देख लेना। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने अपने होनेस्टा को ओपन कर लिया है एंड ये होनेस्टा का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपने होनेस्टा का 7 वर्जन अपडेट नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे होनेस्टा के इंस्टाग्राम जो सीक्रेट ऑप्शन है, इसमें कुछ नए सेटिंग्स को ऐड किया गया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है। अगर आपके होनेस्टा में ये न्यू फीचर्स ऐड नहीं हुए हैं तो आपको सिंपली जो ये रिफ्रेश का बटन दिख रहा है, सिंपली आपको इस रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एक यस का बटन शो होगा, सिंपली आपको यस वाले बटन पर टैप कर देना है। जैसे आप यस वाले बटन पर टैप करोगे, आपके फ़ोन में भी ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, बट स्टिल आपका सेम जो आपने ओल्ड सेटिंग कर रखा होगा वो सारा सेटिंग यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। तो आपको इन सारे सेटिंग्स को फिर से करना होगा। इसके ऊपर भी मैंने एक फुल डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। तो जाके सारे फीचर्स को समझ लेना कि कौन से फीचर्स को ऑन करने से क्या होता है। तो चलो अब हम बात करते हैं इस सेटिंग्स के जो इसमें ऐड हुए हैं। फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाता है एक्टिवेट थ्रेड्स का ऑप्शन। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो, एंड मैं आपको अब चेक करवा देता हूँ एक एक फीचर को इनेबल करके एंड एक एक सेटिंग्स को एक्सप्लेन करके। देन आप जैसे ही अपने प्रोफाइल पे आओगे, यहाँ पे आपको एक थ्रेड्स का आपका जो नंबर है वो आपको दिख जाएगा। देन आप ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर जो थ्रेड्स वाला फीचर है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड सेटिंग की, जो कि है आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो एक्टिवेटिंग वीडियो ट्रिमिंग फॉर मोर देन 60 सेकंड वीडियो इन स्टोरीज। अगर आपके गैलरी में कोई भी वीडियो है जो 60 सेकंड से बड़ी है एंड अगर आप उसको अपने स्टोरी पे लगाना चाहते हो तो आप उसको भी अब ट्रिम करके लगा सकते हो। तो इस फीचर को आपको इनेबल करना है एंड मैं लेट में आपको चेक करवा देता हूँ एक सेकंड स्टोरी पे जाके। एंड इधर मैं स्टोरी वाले ऑप्शन पे आता हूँ एंड मैं एक तीन यहाँ से मतलब 60 सेकंड से ऊपर का कोई भी वीडियो सेलेक्ट करता हूँ। जस्ट आप देख सकते हो ये मेरा वीडियो है 60 सेकंड से ऊपर। यहाँ पर नीचे आपको एक ट्रिमिंग लाइन देखने को मिलेगा, उससे आप अपने स्टोरी के वो पार्ट को ट्रिम कर सकते हो जिसको आप लगाना चाहते हो। यहाँ पे आपको थर्ड सेटिंग देखने को मिलती है एक्टिवेटिंग शेयर्ड एक्टिविटी टैग्स लाइक्स कमेंट्स फॉलो डेट बिटवीन यू एंड सिलेक्टेड पेज। आप इससे पता कर सकते हो कि आप मतलब आपका किसी भी दोस्त है, आपने उसको कब फॉलो किया, उसने आपको कब फॉलो किया एंड आपके दोस्त ने आपके कितने पोस्ट को लाइक किए हैं, आपने उसके कितने पोस्ट को लाइक किए हैं, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हो। तो चलो मैं बताता हूँ ये आप चेक कैसे करोगे। तो आपको ये थर्ड वाले फीचर को इनेबल करना है। थर्ड वाले फीचर को इनेबल करने के बाद आपको किसी भी अपने फ्रेंड के प्रोफाइल पर चले जाना है। तो ये मेरा सेकंड अकाउंट है, मेन अकाउंट, जिसको मैं पर्सनली ब्लॉग टाइप पे यूज़ करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड ऊपर में आपको एक इधर ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो थ्री डॉट एंड यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सी शेयर्ड एक्टिविटी। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देन नाउ आप देख सकते हो कि इसमें ये देख सकते हो कि यहाँ पे बाय द वे इट्स अमन ने मेरे को अक्टूबर में फॉलो किया था एंड मैंने इनको फॉलो बैक दिया है जुलाई में, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे से अनफॉलो हो गया था, देन मैंने फिर से फॉलो किया इसलिए मेरे को यहाँ पे जुलाई शो कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से कमेंट्स पर टैप करके कमेंट्स देख सकते हो, लाइक्स पे टैप करके आप लाइक्स देख सकते हो एंड यहाँ पे पोस्ट पर यहाँ पे टैग्स पे टैप करके आप ये भी टैग्स भी देख सकते हो कि आपने कितने पोस्ट में टैग कर रखा है उनको, उन्होंने आपको कितने पोस्ट में टैग कर रखा है। देन मैं आपको लाइक्स वाले पर टैप करता हूँ एंड देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है एंड देख सकते हो कि मैंने उनके किसी भी पोस्ट को लाइक नहीं कर रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे लाइक्ड बाय देम, तो उन्होंने मेरे सारे पोस्ट को यहाँ पे लाइक कर रखा है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको शो कर देगा एंड किस किस पोस्ट को लाइक किया वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड कमेंट्स में भी जाओगे तो देख सकते हो कि मैंने उनके पोस्ट पर किसी को भी, मेरे को पता है मैंने एक भी कमेंट नहीं कर रखा है, यहाँ पे नो कमेंटेड शो होगा। एंड यहाँ पे कमेंट बाय देम में जाओगे तो उन्होंने मेरे बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रखा है एंड मेरे पोस्ट पर भी कमेंट कर रखा है, देख सकते हो बाय द वे इट्स अमन थैंक्स भाई उनको रिप्लाई कर रखा है, इन्होंने कमेंट किया था। तो इन सब तरीके से आप चेक कर सकते हो आप भी कि आपने आपका जो फ्रेंड है आपने किसने पोस्ट पर लाइक कर रखा है, आपने उसके पोस्ट पर कमेंट किया है कि नहीं। थर्ड वाला फीचर मेरे को पर्सनली अच्छा लगा एंड यहाँ पे आपको एक और सेटिंग देखने को मिलती है फोर्थ नंबर पे, एक्टिवेट पिंच टू जूम ऑन स्टोरी। ये मैंने आपको इंस्टा फ्लो के कमांड सेटिंग में भी बता रखा था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, उसमें भी मैंने आपको बहुत सारे कमांड सेटिंग बता रखे हैं। अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आप किसी के भी स्टोरी को जूम कर सकते हो एंड जूम करके देख सकते हो। जस्ट मैंने अपना स्टोरी देखा एंड मेरे को जूम करना है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे जूम किया एंड देख सकते हो शायद अब मेरा वीडियो चले कि ना चले, क्योंकि मैंने भाई किसका फोटो पे जूम कर दिया यार। तो यार वीडियो को लाइक कर देना भाई।
एंड जो हमारी फिफ्थ सेटिंग है वो है देख लो यहाँ पे एक्टिवेट सो लाइक्ड बाय ऑथर कमेंट्स। ठीक है, आप मतलब जिसने रील डाल रखा है उसके ऑनर ने आपके कमेंट को लाइक कर रखा है कि नहीं, आपके नहीं किसी के भी कमेंट को, वो आप पता कर सकते हो इससे। ठीक है, तो इसको आप इनेबल करते हैं हम, एंड इनेबल करने के बाद चलो उसके लिए आपको किसी भी रील पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक अकाउंट ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक ये वाला अकाउंट ले लिया। ठीक है, और एक अकाउंट पर मैं देख लेता हूँ कमेंट्स वगैरह किस रील पर हैं। तो यहाँ पे आता हूँ मैं एंड देख सकते हो कि यहाँ पे कमेंट है, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक लाइक, एंड लाइक के बगल में आपको देखने को मिल जाएगा यूज़र का प्रोफाइल जो कि सेम प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको देख लो या इस रील के जो ऑनर है जो पेज का, उसने भी यही वाला प्रोफाइल लगा रखा है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि उस कमेंट को किसने लाइक किया है, किसने लाइक नहीं किया है। एंड जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है एंड जो नेक्स्ट फीचर है वो है आप अपने स्टोरी सर्कल को छोटा या बड़ा कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो स्मॉल और टीनी का भी ऑप्शन है, बहुत छोटा स्मॉल या फिर लार्ज वगैरह भी कर सकते हो। इसका ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है इसके कमांड के ऊपर जो कि इंस्टा फ्लो के कमांड वीडियो में, तो जाकर उसको देख लेना यार। एंड इसको मैं इनेबल नहीं करूँगा, ये मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा, जो है वही सही है, या फिर आप छोटा बड़ा खुद से इनेबल कर सकते हो। एंड किसी एक फीचर को एक टाइम पर इनेबल करना, या तो बड़ा कर लेना या तो छोटा कर लेना, जो करना हो दोनों को एक साथ इनेबल मत करना। एंड फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक्टिवेट सो रील्स कैप्शन इन कमेंट्स, अगर आप इसको इनेबल करते हो तो फिर से मैं किसी रील वाले अकाउंट पे चले जाता हूँ। रील पे आने के बाद मैं यहाँ से कमेंट बॉक्स को ओपन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट बॉक्स को ओपन किया, वैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमको कैप्शन देखने को मिल रहा है। अगर अभी तक आपके अकाउंट में म्यूज़िक वर्क नहीं कर रहा है म्यूज़िक नोट का, तो वो वाला भी सेटिंग यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। सिंपली आपको इसको इनेबल कर देना है, फिर आप भी नोट्स में जाके म्यूज़िक को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे न्यू फीचर देखने को मिलता है एक्टिवेट अनलाइक रिएक्शन डबल टैप। यहाँ पे जो देख सकते हो, अगर जैसे आप किसी मैसेज पे डबल टाइप करते थे तो वो लाइक हो जाता था, अगर वहाँ पे आप फिर से डबल टैप करोगे तो वो डिसलाइक भी हो जाएगा, मतलब अनलाइक हो जाएगा। तो इसको भी मैं इनेबल करके और आपको चेक करवा देता हूँ। इन दोनों फीचर्स को भी मैंने चेक नहीं करवाया, तो मैं चेक करवा देता हूँ आपको। फिर आपको इधर देखने को मिलता है एक्टिवेट ऑटो प्ले इन नेक्स्ट वॉइस मैसेज। तो अभी तो मेरे को किसी ने वॉइस मैसेज नहीं भेजा, अगर मान लो आपको एक वॉइस मैसेज आया, फिर यहाँ पे सेकंड वॉइस मैसेज आया, एंड यहाँ पे थर्ड वॉइस मैसेज आया, अगर आपने फर्स्ट वाले को प्ले किया तो सेकंड वाला भी ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा वो खत्म होने के बाद, एंड थर्ड वाला भी ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया, अगर आपको इसको इनेबल करते हो तो। यहाँ पे मैंने सारे फीचर्स को इनेबल कर रहा हूँ, बट आपको आपको जिस फीचर का जरूरत हो आप उसी फीचर को इनेबल करना, एंड बाकी सारे फीचर्स को आप इनेबल मत करना। फिर आपको यहाँ पे एक और सेटिंग देखने को मिलती है एक्टिवेट सिलेक्टिंग डिस्प्ले नोट्स। इसको मेरे को समझ ही नहीं आया ये किस लिए यहाँ पे दिया गया है, एंड अगर मेरे को पता लगता है इस सेटिंग से क्या होता है तो मैं स्टोरी पे लगा दूंगा इस वीडियो के बाद। तो जाकर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है @spoilertech। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलती है एक्टिवेट पोस्ट द स्टोरी टू हाईलाइट डायरेक्टली। अगर आप इसको ऑन करते हो, देखो मैं बताता हूँ आपको, आप अगर पहले आप क्या करते थे, अगर किसी भी रील को या फिर किसी भी आप पोस्ट को हाईलाइट्स में ऐड करना चाहते थे तो उसको आपको स्टोरी पे पोस्ट करना पड़ता था, बट अब आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी रील या फिर किसी भी पोस्ट को हाईलाइट्स में ऐड करना है तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जस्ट सपोज करो कि ये एक रील है एंड इस रील को मेरे को हाईलाइट्स में ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको एक हाईलाइट्स का ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, बस आपको उस पोस्ट को यहाँ पे स्टोरी पे लाना है और हाईलाइट्स पे क्लिक कर देना है। ये सेटिंग भी पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिवेट स्टोरी ग्रुप रिप्लाईज, आप एक बार में अपने रिप्लाई के सबको रिप्लाई कर सकते हो, मतलब आपने जो स्टोरी लगाया है उस पर सबको रिप्लाई कर सकते हो। ये मेरे को अच्छा नहीं लगा यार, इससे क्या ही फर्क पड़ता है आप किसको रिप्लाई करो या फिर ना दो, क्योंकि ज़्यादा लोग स्टोरी पे पूछते नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक दो लोग पूछते हैं वो भी अलग अलग क्वेश्चन रहता है, तो सबका सेम रिप्लाई देने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक्टिवेट लाइव ओनली फॉर फॉलो बैक यूजर्स। अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आप जैसे ही लाइव जाओगे वहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपने जिसको फॉलो बैक कर रखा है आप सिर्फ उन्हीं के साथ लाइव जा सकते हो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्टिवेट सो कॉमन फॉलोअर्स हु हैव लाइक रील पोस्ट। अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आपको शो हो जाएगा कि आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उन्होंने उस रील को लाइक कर रखा है कि नहीं लाइक कर रखा। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्टिवेट बूमरैग फॉर रील क्रिएटिंग, इसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ और इसको भी मैं चेक करवा दूंगा कि इससे क्या होगा। ठीक है, एक्टिवेट रील रीमिक्स न्यू ऑप्शन, अगर आप इसको इनेबल कर सकते हो तो कर दोगे तो आपके भी रील में रीमिक्स का न्यू बटन शो हो जाएगा। फिर आपको देखने को मिलता है एक्टिवेट स्विच बिटवीन सजेस्ट एंड फॉलोइंग इन रील पेज, इसका मेरे को नहीं पता इससे क्या होता है तो इसको मैं इनेबल नहीं करता हूँ, अगर पता चलता है तो मैं आपको सेम वही काम करूँगा स्टोरी पर अपलोड करके बता दूंगा। फिर आपको देखने को मिलता है एक्टिवेट डायरेक्ट वेज, अगर आपको इससे भी पता नहीं है मेरे को, अगर इसको भी पता चलता है तो मैं यहाँ पर बता दूंगा।
फिर आपको देखने को मिलता है एक्टिवेट चैनल टैब इन डायरेक्ट। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो आपके जो यहाँ पे फीड आइकन है जहाँ से आप मैसेज वगैरह करते हो, जनरल प्राइमरी का ऑप्शन देखने को मिलता है, वहाँ पे चैनल का भी आइकन देखने को मिल जाएगा। एक्टिवेट ग्रीन स्क्रीन ऑप्शन इन रील, अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आप ग्रीन स्क्रीन में रील वगैरह भी बना सकते हो। तो चलो अभी हमने जिन जिन फीचर्स को इनेबल किया इन सारे फीचर्स के हम देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। एंड जिसका नहीं पता था मेरे को उसको मैं स्टोरी पर अपलोड कर दूंगा इसके बारे में पता करके। एंड इस वीडियो में इतना ही, देख लो मैंने सारे सेटिंग्स जितने भी न्यू सेटिंग्स थे सबको एक्सप्लेन कर दिया। एंड चलो अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो चेक करवाने के लिए एक बार ऐप को रिस्टार्ट करना है, क्योंकि जितने भी हम सेटिंग्स या फिर कमांड्स ऑन करते हैं तो उसके लिए हमको सेटिंग्स को एक बार ऑन करना होता है। तो अब मैं मैसेज वाले फीड पर आ जाता हूँ एंड मैं आपको मैसेज वाले पर चेक करवाता हूँ। जैसे कि देख सकते हो मैंने डबल टैप पर इस रील को लाइक किया, फिर डबल टैप पर मैंने इसको अनलाइक भी कर दिया, ठीक है, ये वाला भी वर्किंग है। एंड अब मैं आपको चेक करवाता हूँ नोट्स पे म्यूजिक कैसे लगा सकते हो। तो इधर मैं नोट्स वाले ऑप्शन पे आया, यहाँ पे अब आपको अवतार देख के शौक मत होना भाई का अवतार वाला फीचर कैसे आया है, इसके ऊपर भी मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, तो जाओ यार एक बार चैनल को चेकआउट करो। यहाँ पे म्यूजिक वाला भी ऑप्शन हमको देखने को मिल गया है, यहाँ पे हम जाके मैं कोई सा भी म्यूजिक वगैरह यहाँ से लगा सकता हूँ मैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन स्क्रीन की एंड रील रिमिक्सिंग की। तो जैसे बूमरैग रील का भी ऑप्शन था वो सब भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे एंड रील वाले ऑप्शन पे आता हूँ, जन देख सकते हो कि यहाँ से आप बूमरैग में भी रील बना सकते हो, यहाँ पे आप ग्रीन स्क्रीन में भी रील बना सकते हो। इसका यूज़ आप खुद से कर लेना एंड मैं इसको आप चेक नहीं करवाऊंगा, बट ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, मैंने खुद से चेक कर रखा है। तो मैं एक रील पे आ चुका हूँ एंड जैसे मैं यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, वैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको रिमिक्स बटन के साथ साथ जो नया वाला रिमिक्स बटन आया है वो भी आपको शो हो जाता है। अगर आपको वीडियो के किसी भी पार्ट को समझ नहीं आया तो आप उसको टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करो, नेक्स्ट टाइम से हम उस पार्ट को इम्प्रूव कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। स्क्रीन पे आपको होनेस्टा 4K सेटिंग का और iOS लेटेस्ट इमोजीज का वीडियो दिख रहा होगा, तो जाके आप इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।